हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल स्टडी स्मार्टली। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश कोर फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो बुक की नेम है, क्लास ट्वेल्थ की बुक की नाम है ये, ठीक है। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, मीन्स आपको स्टोरी बताएंगे। स्टोरी है क्या, द लास्ट लेसन चैप्टर 1 ऑफ फ्लैमिंगो, ठीक है। इसमें मैं आपको समरी पॉइंट्स के जरिए पूरी स्टोरी समझाऊंगा कम टाइम में, अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ये मेरा समरी होगा और फिर नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते रहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ सकते हो, उसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर 1 द लास्ट लेसन समरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्नड पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़के की स्टोरी है, उसका नाम फ्रांस है, ठीक है, फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। ये फ्रांस की स्टोरी है। फ्रांस में एक शहर होता है एलजेस एंड लॉरिन। तो वहाँ पे एक लड़का होता है फ्रांस, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है, डरा हुआ था जब वो स्कूल जा रहा था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल लर्न नहीं किया। क्योंकि अगर वो डरा हुआ इसलिए था क्योंकि वो अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है। उनके टीचर के पास हमेशा आयरन रूलर होती थी और वो हमेशा डांटते थे और पीटने की बात नहीं हुई है इस चैप्टर में, पर वो डरता था फ्रेंड्स, इसीलिए उसने पार्टिसिपल नहीं पढ़ा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, स्कूल जाना नहीं चाहता था। सेकेंड पॉइंट, ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड चर्पिंग इन द वुड्स, प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग बट रेजिस्टेड, ठीक है। यहाँ पे इस स्टोरी में, क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था स्कूल, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि सोच रहा था अगर वो स्कूल जाएगा तो सर जो टीचर है उनके HML वो उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे, और वो रिवाइज किया ही नहीं चैप्टर, उसे कुछ भी नहीं आता उसके बारे में, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आज ब्यूटी ऑफ नेचर की एन्जॉय किया जाए, ठीक है। उस दिन ब्राइट सनशाइन थी, बर्ड्स भी चर्पिंग कर रहे थे, ठीक है, और जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे। बट रजिस्टर्ड, यहाँ पे रजिस्टर्ड का मतलब है, ये इसका मतलब है यहाँ पे कि उसने खुद को कंट्रोल किया, ठीक है, खुद को उसने कंट्रोल किया कि नहीं मुझे इधर घूमना नहीं चाहिए, बंक नहीं मारना चाहिए, जिसे हम बंक कहते हैं, ठीक है, बंक नहीं मारना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल की तरफ निकल जाता है, वो खुद पे कंट्रोल पा लेता है, उसके बाद वह स्कूल के लिए निकल जाता है। जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ऑन रीचिंग स्कूल फ्रेंड्स नोटिसेस अनयूजुअल साइलेंस विलेजर्स ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस, द टीचर वेल ड्रेस्ड एवरीबडी लुक सैड। तो जब वो स्कूल जाता है, ठीक है, जब वो स्कूल पहुंचता है, तब पहले क्या होता था, हर दिन ऐसा होता था जब वो स्कूल जाता था तब हमेशा शोर होते थे, ठीक है, हमेशा शोर होते थे, आवाज़ें रास्ते तक स्ट्रीट तक पहुंचते थे, रास्ते तक आवाज़ें स्कूल से पहुंचते थे, बहुत शोर होता था। लेकिन उस दिन जब वो गया तब क्या था, साइलेंस था वहाँ पे,
ठीक है, संडे मॉर्निंग की तरह। जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल में क्या होता है, बच्चे तो होते नहीं है, कोई भी नहीं होता, तो एक साइलेंस होती है। तो बिल्कुल उस दिन उसी तरह था, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसने नोटिस की कि जो विलेजर्स थे, ठीक है, विलेजर्स थे वो लास्ट बेंचेस पे बैठे थे, जो उनके क्लास का होगा, क्लास में लास्ट जो बेंच हमेशा खाली होते थे, लेकिन उस दिन विलेजर्स वहाँ पे आके बैठे हुए थे उस बेंच पर। और जो टीचर था उनका, ठीक है, वो वेल ड्रेस्ड में था, लेकिन सभी लोग दुख में दिख रहे थे, एवरीवन लुक्ड सैड। तो रीज़न उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्यों रहा है, कि संडे मॉर्निंग की तरह पूरी साइलेंस है स्कूल में, ये विलेजर्स भी आए हैं, लास्ट बेंचेस पर बैठे हैं, टीचर भी वेल ड्रेस पहना है जो कभी कभी पहनते हैं, और जो सारे लोग हैं यहाँ पे सभी सैड है, क्यों है ये, ठीक है। फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ, ये उसके माइंड में ऐसे चल रहा था। फोर्थ पॉइंट, एम हैमेल अनाउंसेस टुडे इज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो एम हैमेल जो आप देख रहे हैं ये उनके टीचर का नाम है, फ्रेंच के टीचर का नाम एम हैमेल है। तो वो अनाउंस करते हैं कि जो आज का लेसन होगा फ्रेंच में वो आखिरी लेसन होगा, लास्ट लेसन होगा, ठीक है। वह ऐसा क्यों कहते हैं, वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड में जिस पे न्यूज़ आती रहती है, तो फ्रेंड्स जब स्कूल्स की तरफ निकलता है तब वहाँ पे भीड़ होती है, ठीक है। जब वो वहाँ पे जाता है तब उस भीड़ का समझ में नहीं आता, वापस जब वो स्कूल जाता है तब उसके टीचर जब कहते हैं कि लास्ट लेसन है, ठीक है, फ्रेंच में, तब वो कहते हैं कि अगले दिन से जर्मन टीचर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस स्कूल में जितने भी ये जो शहर है एल्सेस और लॉरिन, ये दोनों ये शहर में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, फ्रेंच बंद हो जाएगा आज के बाद, फ्रेंच के टीचर नहीं रहेंगे स्कूल में, जर्मन सिर्फ पढ़ाई होगा। क्योंकि आगे आपने पढ़ा था पहले प्रशियंस, जो प्रशियन सोल्जर थी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी, मतलब वो जगह अब शायद एक तरह से कहूँ तो कब्जे में ले रखा था जर्मनी ने। द फिफ्थ पॉइंट, द फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स रिग्रेट्स एंड रियलाइजेस व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली। अब जो फ्रेंड्स है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स है और भी उनके जो गांव के लोग थे, ठीक है, उसके जो विलेजर्स थे वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, ठीक है, और रियलाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने इससे पहले फ्रेंड्स क्यों नहीं सीखा, ठीक है। जब टीचर पढ़ाते थे तब ये सीरियस नहीं रहते थे क्लास में, ठीक है, लेकिन कल से तो अब कोई फ्रेंच में पढ़ाएंगे नहीं, अब तो जर्मन आएंगे, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है, अपनी मदर टंग है, वो फ्रेंच थी, लेकिन अब उनसे वो छीना जा रहा है, अब कल से उन्हें जर्मन टीचर आएंगे और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो इसलिए उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने पहले क्यों नहीं सीखा सीरियसली। सिक्स्थ पॉइंट, अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई टीचर इज वेल ड्रेस्ड विलेजर्स सिटिंग एट द बैक। ठीक है, अब उसे समझ में आया, ठीक है, मैंने स्टोरी तो पहले बता दी, लेकिन अब उसे समझ में आया कि जो टीचर है इतने वेल ड्रेस में क्यों है, और जो विलेजर्स हैं ओल्ड मैन जो आए हैं, ठीक है, वो बैक बेंचेस के ऊपर क्यों बैठे हैं, वहाँ पे क्यों बैठे हैं, जो कि पहले तो कभी बैठते नहीं थे। तो सेवेंथ पॉइंट में है, एम हैमेल रियलाइजेस दैट ऑल थ्री, ही हिमसेल्फ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स were to be blamed for losing respect regards for the mother tongue। ठीक है, तो इसमें एम हैमेल खुद रियलाइज करते हैं, और यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि इसमें तीन लोग रिस्पॉन्सिबल है फ्रेंच अब लैंग्वेज, जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है वो नहीं सीखी। पहला रीज़न है कि जो उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, एक तो पहले बच्चे ही हैं,
जो सीखना नहीं चाहते थे फ्रेंच लैंग्वेज, मतलब उनमें उन्हें इंटरेस्ट नहीं था उसमें फ्रेंच लैंग्वेज, खुद अपने मदर टंग की लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। अब उनके पेरेंट्स भी ब्लेम खुद मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे कभी कभी। कभी कभी वो पैसे ज़्यादा कमाने के लिए बच्चे को मील्स में भेज देते थे या फिर फार्मिंग की एरिया में भेज देते थे जहाँ पे खेतों में वगैरह में काम किया जाता है। तो इन दोनों जगह पे पैसे कमाने, ज़्यादा कमाने के लिए बच्चों को भेज दिया जाता था स्कूल जाने के बजाय, ठीक है। तो इससे बच्चे जा नहीं पाते थे। और एम हैमेल उनके टीचर खुद भी खुद को ब्लेम मानते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने भी उनमें उनका उतना ही मतलब, मेरे कहने का मतलब कि जो एम हैमेल जब बच्चे स्कूल में आते थे पढ़ने, तब वो पढ़ाने की जगह बच्चों को फ्लावर्स को पानी देने के लिए कहते थे बच्चों को, मतलब एक तरह से ये टाइम पास करवाते थे पढ़ाने की बजाय। तो वो खुद को गिल्टी मान रहे, मिस मतलब गिल्टी भी नहीं, रियलाइज कर रहे हैं और पछता रहे हैं कि जो उनका मदर टंग लैंग्वेज है, ठीक है, मदर टंग लैंग्वेज है उनकी फ्रेंच, वो बच्चे और लोग यहाँ के सीख नहीं पाए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मदर टंग लैंग्वेज एक अपनी आइडेंटिटी होता है, अपनी पहचान होता है। फिर हैमल कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ऑलवेज कीप क्लोज द मदर टंग टू योर हार्ट एज इट इज अ की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी। इसमें एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हैं और इसकी क्वालिटी बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज है कैसा। तो इसमें कहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, क्लियर लैंग्वेज है, ठीक है। इसे मतलब कोई कॉम्प्लेक्स टाइप में वर्ड्स नहीं है फ्रेंच में, और लॉजिकल लैंग्वेज है, और हर इंसान को अपनी मदर टंग लैंग्वेज अपने हार्ट में रखना चाहिए क्योंकि ये की होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कैद कर ले, ठीक है, कोई दूसरे कंट्री में आपको कैद कर ले, तो ये जो आपकी लैंग्वेज है ये आपकी पहचान होगी और आप अपने लैंग्वेज को अपने हार्ट में रख पाओगे, मीन्स अपने लैंग्वेज को जिंदा रख पाओगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरे कहने के मतलब यहाँ पे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सारे लोग इमोशनल हो रहे थे और उन्हें बुरा लग रहा था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए। 9 पॉइंट, एम हैमल बिकम इमोशनल एंड राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइव लव फ्रेंड्स। तो इसमें वाइव लव फ्रांस मीन्स इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। एम हैमेल उस अपने लास्ट लेसन लोगों को देने के बाद वो इमोशनल होते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए वो चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड में ये वर्ड लिखते हैं जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स फ्रेंड्स रिमेंबर द लास्ट लेसन वेरी वेल, जो फ्रेंच था वो अपना आखिरी लेसन अच्छे से समझ गया था, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम सीरियस था। पहले उसकी बुक कहीं और रहता था, वो कहीं और रहता था, वो पढ़ने पे कभी सीरियस होता नहीं था, लेकिन उस दिन जब उसे पता चला कि उसके फ्रेंच टीचर आखिरी दिन पढ़ाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट डे जर्मन टीचर आएंगे, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, तो उन्हें बुरा लगा था, इसलिए वो वहाँ पे सारे लोग सीरियस थे, इसलिए वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो भी आखिरी दिन पढ़ने के लिए आए थे। और वो यहाँ पे जो एम ये जो एम हैमेल है उनके टीचर उस विलेज में 40 ईयर्स तक लोगों को पढ़ा रहे थे, ठीक है, 40 सालों तक। इसलिए जो विलेजर्स आए थे वो इनसे इन्हें थैंक यू कहने के लिए आए थे, इनकी सर्विस के लिए, कि उन्होंने 40 वर्षों तक उन लोगों को फ्रेंच पढ़ाया। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी स्टोरी, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स होगी, और मैं उसे
अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।